डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्म मालूम है तेरे बाप को। So, hello guys, welcome back to the Sage's vlog. और I know मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, आई मीन मतलब दो हफ्ते हो गए, शायद दो हफ्ते हो गए यार। क्या करूँ यार, मेरे भी पेपर्स होते हैं, मेरे भी असाइनमेंट्स होते हैं, मेरे भी एग्जाम, मेरे भी एंड सेम एग्जाम, फिर मुझे नेटफ्लिक्स देखना होता है, अमेजोन प्राइम पे भी जो वेब सीरीज आती है वो भी देखना होता है। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? बट ऐसा नहीं होगा अब से, मेरे एक वीक से एग्जाम चल रहे थे तो काफी लेट हो गया। तो गाइस, आज का वीडियो काफी रोस्ट भरा होने वाला है। मैं पहली बार रोस्ट ट्राई करने वाला हूँ और वो भी ट्राई कर रहे हैं हम इंडियन एड्स पे। उन एड्स को देख के मुझे पर्सनली बहुत इरिटेशन होती थी, तो क्यों पर्सनली मुझे उन एड्स को देख के बहुत इरिटेशन होती थी, तो मैंने सोचा क्यों मैं अकेले इरिटेट हूँ, क्यों ना मैं आप लोगों को इरिटेट करूँ। शाबाश बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इरिटेशन का सिलसिला, सॉरी मतलब रोस्टिंग का सिलसिला। इंडियन एड्स को रोस्ट करेंगे मिलके, मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक पहले ऐड की बात करें तो तुम्हें दिख गया होगा एक्स, एक्स वो वाला नहीं, ये तो उनके स्लोगन के ही बारे में बात करते हैं। तो उनका स्लोगन ये था, द एक्स इफेक्ट कैन एक्चुअली एक्स यू आउट ऑफ योर मैरिज। एक क्या एक्स यू आउट ऑफ योर मैरिज? कोई सेंस है इस बात की? नहीं मतलब तुम्हारी शादी शुदा जिंदगी खतरे में है, अगर तुम्हारा पड़ोसी चूतिया एक्स लगाता हो तो तुम बचा के रखो अपनी बीवी को, घर में बैठो भाई। आज उसने एक्स लगाया और आज तुम बाहर निकल गए तो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम अपने मैरिज से एक्स आउट हो जाओगे। कुछ भी नहीं, तुम पोस्टर पे भी देख सकते हो, पोस्टर पे लिखा टर्न्स नाइस गर्ल्स नॉटी। नहीं मतलब नाइस गर्ल्स ही नॉटी हो सकती है, मतलब जो नॉटी गर्ल्स होगी तो फिर वो क्या होगी? नहीं समझ आता यार, छोड़ो छोड़ो, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, नेक्स्ट साइड पे। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा सबका चहेता वर्ड्स नंबर वन, स्ट्रॉन्ग फेयरनेस क्रीम फॉर मैन, फेयर एंड हैंडसम। तो गाइस, इस एड को देखने से पहले मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था, बट इस एड को देखने के बाद मैं शाहरुख खान का और भी बड़ा फैन हो गया। क्या कुछ भी, तुम लोगों को क्या लगा मैं फैन ले रहा हूं? फैन ये सब देखते नहीं है, चले आगे बढ़ो। इस एड के स्लोगन में मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा, तुम भी देख लो। इफ यू नीड अ जॉब जस्ट बी फेयर मेड। नहीं मतलब हम चूतिया हैं, इतना असाइनमेंट करते, इतना क्विज देते हैं, उसके बाद एंड सेमेस्टर का पता नहीं कौन कौन से वर्कशॉप, पता नहीं कौन कौन से क्लब ज्वाइन किया गया, पैसा बर्बाद पहन है, उसमें मार्क्स चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी तुम्हें देखना चाहिए, पड़ा CGPA भी बनाना पड़ता है, तब तुम्हें कंपनी बैठने देगी, तब तुम्हें कोई जॉब मिलेगा जब तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट होगा। हम तो चूतिया थे, हमें पता ही नहीं था। 30 रुपए की क्रीम चाहिए थी जिसे लगा के हम फेयर हो जाते और हमें जॉब मिल जाती। यार अगर तीसरे नंबर ऐड की बात करें तो यार मैं बात करना चाहूंगा हैंड वॉशेस की। तुम जो भी यूज करते हो उसके बारे में सोच लो, जी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इनसे एक प्रॉब्लम है कि क्यों सारे हैंड वॉशेस सिर्फ 99.999% ही जर्म्स को खत्म करते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि 0.1% कहाँ जाता है इनका। या तो तुम मत करो या तो तुम पूरा करो, और सारे जो यूज करते हो वो भी, जो मैं यूज करता वो भी, और जो दुनिया यूज करती है वो भी। पर अगर मैं ट्वाइस यूज कर लूं इन हैंड वॉशेस को तो क्या हुआ, कमेंट करके बताना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बस अगला एड है हम सबका चहेता, हम सबका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप। इसके एड के लॉजिक के लिए मैं थम्स डाउन देना चाहूंगा, क्योंकि नहीं मतलब तुम पोस्टर में देख रहे हो टेस्ट था ठंडा है, नहीं मतलब उस थंडर को तुम अपना टेस्ट कर सकते हो, घर में रखे हुए फ्रिज में रख के आराम से चिल मार के घर में भी टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें हेलीकॉप्टर से कूदने, पहाड़ पर से जान, घुटना तोड़वाना, सर फड़वाने की जरूरत नहीं है। पर यार हमारे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है कि उनके पास 15 रुपये भी नहीं है कि वो
जाके एक बॉटल थम्सअप लेके आराम से पी ले। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें जंप करना पड़ता पहाड़ों से, हेलीकॉप्टर से, बाइक से, तब जाके उन्हें एक आखिरी थम्सअप मिलती है। म्यूजिक समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो गाइस टूथपेस्ट हैंड वॉश के बाद यार शैम्पू को तो कैसे छोड़ सकता हूँ, शैम्पू के भी बारे में बात कर लेते हैं यार। पर आजकल स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, लीची, इलायची सबसे युक्त आ रहे हैं शैम्पू। इतने फ्रूट्स तो तुम्हारे मिक्स फ्रूट जूस में नहीं होते जितने आजकल शैम्पूज में आ रहे हैं। आजकल बंदा ये कन्फ्यूज है कि मिक्स फ्रूट जूस पिए या शैम्पू पिए। तो आप डिसाइड करो आपको जूस पीना है कि शैम्पू। अगला एड जो है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ और वो तुम लोग भी कैसे भूल सकते हो, रजनीगंधा। मुंह में है रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, सॉरी मुंह में है रजनीगंधा, दिलों में दुनिया, बदल गया क्या इनका स्लोगन? जो भी है दुनिया है ना, चाहे दिल में हो चाहे दिमाग में हो। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मतलब तुम्हें अगर दुनिया की कोई भी सक्सेस चाहिए तुम्हारे मुंह में रजनीगंधा होना चाहिए, तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे पास चल के आएगा। ओके नहीं मतलब पान मसाले ऐसे सक्सेस मंत्र हैं जिससे आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो। फिर मैं ये सोच रहा हूँ बिल गेट्स कौन सा पान मसाला यूज करता होगा। Well, unfortunately, I'm not able to join you in person. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ बिल गेट्स कौन सा यूज करता होगा पान मसाला, मुझे बहुत जानने की जरूरत है क्योंकि ये लोग कोई ना कोई तो पान मसाला जरूर खा रहे हैं। रजनीगंधा डेफिनेटली नहीं, बट कुछ तो खा रहे हैं तभी इतने सक्सेसफुल हैं। मुझे भी शुरू करना पड़ेगा कुछ भी। यार अगली एड की बात करूं तो यार अगला एड एक कार है, SUV मोस्ट फेमस कार इन द वर्ल्ड। नहीं मतलब दुनिया की जितनी भी SUV हैं वो सिर्फ इसीलिए बनी ही हैं वो दीवारों को तोड़े, पहाड़ों पे चढ़े, झरने में से निकल के आए। कौन है ये लोग? नहीं बेटा तुम्हें शहर में नहीं चलानी गाड़ी, तुम्हें पहाड़ों पे कूदानी है उसे, तुम्हें दीवारों में ठोकना है गाड़ी, तब पता चलेगा कि तुम SUV चला रहे हो। तो यार इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म करते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो यार, देख लो पसीना आ चुका है मुझे ये वीडियो बनाते बनाते क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। और तुम्हें इन एड में से किसी भी एड का लॉजिक अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स करके बताओ और मुझे भी समझाओ ताकि मैं भी समझूं कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े समझदार हैं। मैं तो चलो बेवकूफ हूं ही, तुम भी तो बेवकूफ नहीं हो, तुम तो समझदार हो, तो मुझे समझाओ और मुझको मजा आ जाएगा अगर मुझे समझ में आ गया तो। और गाइस सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को प्लीज़, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार सब्सक्राइब बोलना कि यार सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, फिर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, फिर तुम बोलते हो यार कितना बार बार सब्सक्राइब बोलता है, फिर मुझे सब्सक्राइब बोलना नहीं अच्छा लगता, कितनी बार बार बोलता हूँ फिर भी तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जाकर सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं क्यों बोलूँगा कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो। और मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार सब्सक्राइब बोलना, ठीक है? और लाइक कमेंट बिल्कुल करना। तो यार बहुत बोल दिए यार, थक गया यार, चलो ठीक है बाय बाय यार, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है बाय बाय।